टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? तो हम तो अच्छे हैं, आप अपने बताओ कैसे हो। ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, हवा भी चलने लग रही है। तो हमारी टूट रही है रजाई, तो देखते हैं, बुझते हैं अंकल से जी से, मनीष को ना बताई और बर्बाद है हमारी रजाई। देखते हैं अभी बात करके। चाची री रजाई टूट रही है, भरवानी है रजाई। क्या था फिर वो मनीष हो जाएगा, ये कुछ तरह बिठाना पड़ेगा रजाई टूटी उड़का। को छाप है जो रजाई देख भी ले लुकमा छुकमा तो तुनू कह दिया मारी है, तमने तो दे रखी तई अब थोड़ी परेश कर देगी रजाई का, ठीक सा है, संभाल लेगी ना भात ना। ना तो ना मेरा पछा छोड़ेगा फिर तेरा लकड़ा लगेगा पीछे ना मैं तो ना हमारे बीच में बोलने की जरूरत है क्या थी। आज वो है चाची क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस डे चाची, कह दे तू भी नू कह दे, नू कह हैप्पी क्रिसमस, बस नू कह दे दिवाली। आज सची नू कह जो तकिए नीचा लख दर देना कि मैं कागज में और अपनी नू कह देख मने तो यह चीज चाहिए नू कवा मिल जा कर तू भी लख दर दिए नू कह मन तो तब थोड़े का बू चाहिए। हां तकिए तो लख दर दे थोड़े के सारे फोन बा ले और तो फ्रेंड्स अभी दिखाती हूं आपको मनीष की खाट और उसकी रजाई कैसे टूटी हुई खाट है कि वजन तो उसमें ज़्यादा है और खाट का बदल गया बिल्कुल उसने नक्शा। तो यो तो उसकी खाट और यो पड़ी टूटी रजाई, बिल्कुल टूटी है, टूट रही बिल्कुल। और कुछ ज़्यादा बोल देते हैं तो वो हमसे कहने लग जाता है कुछ कुछ, तो मैंने अंकल जिया को बोला है, देखते हैं अभी क्या होता है। अंकल जी ने कहा तो है बनवाने के लिए रजाई, नहीं पता लगेगा मनीष को, रजाई तो बनवानी ही पड़ेगी ना, तो फिर ठंड तो ऐसी लगती है ना, लड़ाई तो रखे मरीज ना कलेज तो रखे, फिर रजाई तो बनवानी पड़ेगी, फिर उसे पता ले लूँगी पीछे 2-3 हज़ार रुपये, मैं 2-3 हज़ार में बनवाएगी रजाई।